ये जो एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस है या हमारे तरफ ये साउथ के स्टेट्स में जो मद्रास आई बोलते हैं, तो ये एक वायरल डिसीज है जो वायरानु से आता है। तो वायरानु से आता है मतलब कि इसका नाम जो है एडिनो वायरस करके बोलते हैं। तो ये एक से दूसरों को फैलती है। स्कूल में अगर एक बच्चे को आ गया तो स्कूल में वही बच्चा बैठा रहा तो दूसरे दिन दूसरे बच्चों को भी आ सकता है। नमस्कार, तरुण भारत न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज आपल्याला काही वेगळं वाटलं असेल कारण मी हा गॉगल घातलेला आहे। आजूबाजूला आपल्याला असे बरेच लोक भेटतील जे गॉगल घातलेले असतात आणि आपण जाऊन त्यांची गळा भेट घ्याल किंवा शेक हँड कराल, पण थांबा। सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि हवामानामध्ये बराच बदल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, त्यामुळे साथीचे आजार वाढताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। त्यापैकी एक म्हणजे डोळे येण्याचा आजार। हा आजार नेमका काय आहे आणि यावर उपचार काय आहेत हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण जाणून घेऊयात। अब हमारे सिविल हॉस्पिटल में डेली अराउंड 20 to 25 केसेस लाइक हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इधर। वही इवन ऐसा हॉस्पिटल में भी एक से एक के आने को चांसेस रहते, इसलिए आप वो प्रिकॉशंस क्या है स्वच्छ रहने का, हाँ वो प्रिकॉशन लेके वो स्प्रेड होने का ज़रा आप रोक सकते हैं उसको। और एक तो हाइजीन मेंटेन करने का है और वार्म वाटर लाइक फ्रेश फूड, सो इम्यूनिटी जास्त होने से ये इन्फेक्शन का चांसेस कम रहते हैं। सो सेल्फ केयर इम्पोर्टेंट, हाइजीन इम्पोर्टेंट एंड सेल्फ आइसोलेशन, वो कभी भी आपको शुरू होने के बाद में सेल्फ आइसोलेट करिए। वही वो बैक्टीरियल और वायरल जैसा रहते हैं, बैक्टीरियल उतना स्प्रेड नहीं होता है मगर ये तो जास्त वायरल है इसलिए वो स्प्रेड जास्त होते हैं। वो ट्रीटमेंट तो आप ऑप्थोलॉजिस्ट के दिखा के बाद में ट्रीटमेंट लेने। नमस्ते, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर चांदनी हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी की यहाँ बेलगाम के इंचार्ज हूँ। तो आज हम ये जो एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस है या हमारे तरफ ये साउथ के स्टेट्स में जो मद्रास आई बोलते हैं और जो यूपी के तरफ जो नॉर्थ के तरफ स्टेट्स हैं वहाँ पर ये बॉम्बे आई बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं देना चाहती हूँ। तो ये एक वायरल डिसीज़ है जो वायरानु से आता है। तो वायरानु से आता है मतलब कि इसका नाम जो है एडिनो वायरस करके बोलते हैं। तो ये एक संक्रमण होने वाली बीमारी है। कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आँख में आने वाली बीमारी, कन्नड़ा में इसको कण्णुबेने बोलते हैं। तो ये एक से दूसरों को फैलती है, जैसे फैलती है कि फोमाइट्स के वजह से। सपोज एक पर्सन को या एक व्यक्ति को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, सो वो यूज़ जो कर रहा है या टॉवल हो, कर्चीप हो, या बेडशीट हो, या पिल्लो कवर हो, या सोप्स वगैरह हो, या मोबाइल टच करने के बाद या कुछ चीज़ टच करने के बाद दूसरा व्यक्ति वो चीज़ इस्तेमाल करेगा या वो मोबाइल वगैरह टच करेगा और उससे आपने आँख के ऊपर ऐसा हाथ फैलाएगा या चेहरे के ऊपर हाथ फैलाएगा, तो ये बच्चों में ज़्यादा ज़्यादा तरह से दिखाई देता है। क्योंकि बच्चे जो बड़े लोग जो होते हैं जैसे प्रिकॉशन कैसा लेना है तो बच्चों में ये मालूम नहीं रहता। स्कूल में अगर एक बच्चे को आ गया तो स्कूल में वही बच्चा बैठा रहा तो दूसरे दिन दूसरे बच्चों को भी आ सकता है। जैसे कि हॉस्टल में या एक कमरे में ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ भी जल्दी ये फैलता है। सो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है तो कैसा मालूम पड़ेगा कि ये कंजंक्टिवाइटिस है? तो पहले शुरू में आँख में खुजली होगी या थोड़े बदन में दर्द वगैरह होगा या सर्दी आए जैसा, गले में कुछ खराश होगी, तो उसके बाद में आँख लाल होगी, जो आँख का जो सफ़ेद पोर्शन है तो वो लाल हो जाएगा, इतना लाल हो जाएगा। फिर उसमें खुजली होगी, आईलिड्स में थोड़ी सूजन रहेगी और आँख में खुजली रहेगी, फिर आँख से पानी आएगा, पानी के बाद हम डिस्चार्ज करके बोलते हैं वाटरी डिस्चार्ज या रूपी डिस्चार्ज ऐसा होगा। तो ये कम से कम 5 से 7 दिन तक ये रहेगा, तो ये कुछ बड़ी बीमारी नहीं है। मगर ये क्या है कि आप जो घर में हो या दूसरा कुछ नाटी ऐसा का आँख में दवाई डालते हैं ऐसा नहीं करना है। बस ये आते ही आपको आई स्पेशलिस्ट के पास दिखाना है, जहाँ हमारे 9 तालुका हॉस्पिटल है और एक हमारा बिम्स है,
यहाँ आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, वहाँ जाके जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे वही दवा आपको डालनी है, दूसरी और कुछ दवा ही लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़ोर से दर्द होने की ये दर्द होने लगा या दृष्टि में जो आप देखने की जो ये होती है उसमें कम नज़र में कमज़ोरी आने लगी तो और दर्द बहुत ही ज़्यादा होने लगा तो आपको कंपलसरी आई सर्जन के पास जाके दिखाना पड़ेगा। तो ये एक से दूसरों के जो स्प्रेड होता है फैलता है उसके लिए हम प्रिकॉशन क्या लेना है। सपोज़ एक लोग को अगर कंजंक्टिवाइटिस आ गया तो वो घर में रेस्ट लेना चाहिए। अगर बच्चों को स्कूल में कंजंक्टिवाइटिस आ गया, बच्चा स्कूल गया तो टीचर को उनके पेरेंट्स को बुला के बच्चों को घर पे भेजना है। तो घर में कंजंक्टिवाइटिस जो आता है वो एक रूम में रहना है, तो अपना तौलिया बिस्तर कुछ भी है वो कुछ भी यूज़ करता है खुद के लिए ही रखना है, वो चीज़ दूसरे लोग नहीं इस्तेमाल करना है। अगर कुछ चश्मा, काला चश्मा जैसा हम बोलते हैं जिसमें नंबर नहीं होता, वैसा वह वाइट या काला चश्मा घर के लोग पहन के रहे अगर कुछ आया है तो वो भी कुछ हद के लिए प्रोटेक्शन देता है।